हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय के बारे में। तो पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड ए इज एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए। हिंदी में बात करें तो आपका पी एक्स कोई बहुपद है और उसकी जो घात है वो या तो एक है या एक से अधिक है और ए कोई वास्तविक संख्या है। तो जो बहुपद था ना ये पी एक्स, इस बहुपद को मैं एक्स माइनस ए से जब भाग लगाऊंगा या विभाजित करूंगा तो जो शेषफल होगा ना वो मेरे पास आ जाएगा पी ए। अब देखो हम चलते हैं क्लास टेंथ में, ठीक है। क्लास टेंथ में हम क्या करते थे इनिशियली, स्टार्टिंग में क्लास टेंथ में हम क्या करते थे, हम भाग लगाते थे दो बहुपदों के अंदर, डिवीजन करते थे। आपके जो पॉलिनोमियल्स थे, एक पॉलिनोमियल पी एक्स होता था, एक पॉलिनोमियल जी एक्स होता था, उन दोनों में हम डिवाइड लगाकर रिमाइंडर है या फैक्टर है ये चेक करा करते थे। नाउ देखिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास में एग्जाम्पल होता था बेटा, सपोज मैंने एक पी एक्स ले लिया आपका एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व एंड मैंने ले लिया जी एक्स कोई आपका x प्लस थ्री, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि पी एक्स को आप जी एक्स से डिवाइड कीजिए और बताइए रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना बचेगा। तो आप स्टार्टिंग में क्या करते थे, जो बेसिक मैथ्स आपने टेंथ में पढ़ी थी, टेंथ के भी स्टार्टिंग वाले पोर्शन में, वहां आप डिवीजन सीखते हो। देखिए मुझे एक्स क्यूब बनाना है तो मुझे यहां एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा। जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर रख दूंगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया भैया। फिर देखो इन दोनों में जब मल्टीप्लाई होगा ये थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए साइन चेंज करता हूँ, ये भी माइनस, तो ये प्लस माइनस दोनों सेम थे, दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। अब मेरे पास नया भाज्य जो बचा वो आया बेटा फोर एक्स प्लस ट्वेल्व, और मुझे 4x बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए 4 इंटू एक्स 4x और 3 इंटू 4 अगेन 12, और यहाँ पे भी साइन चेंज होंगे दोनों, तो मेरे पास में जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ गया। अब देखिए ये तरीका तो क्या था, लॉन्ग मेथड है या डिविजन मेथड है, डिविजन मेथड भाई। डिवाइड लगा लगा के कब तक देखोगे भाई, डिवाइड लगा लगा के कब तक देखोगे। ये तो क्या था आपका छोटा डिवाइड था, हो सकता है कुछ और बड़ा डिवाइड आ जाए, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पर क्या चीज़ आई, यहाँ पर आई आपकी रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि एक्स माइनस ए है ना, तो पहले तो बना लो एक्स प्लस थ्री को जीरो के इक्वल, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो आपको अब क्या करना है, जो x इक्वल टू माइनस थ्री आया है ना उसको बेटा इसमें रिप्लेस करना है, इसमें x की जगह पर आपको माइनस थ्री सब्स्टिट्यूट करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो चलिए कर देते हैं। तो देखिए p माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस थ्री का क्यूब प्लस थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर माइनस थ्री प्लस ट्वेल्व। तो यहाँ देखिए बच्चा, माइनस थ्री का क्यूब कितना हो जाएगा, थ्री का क्यूब हो जाएगा माइनस का 27, ठीक है। देखिए थ्री का क्यूब हो जाएगा 27, माइनस का क्यूब हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर देखिए माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3 इंटू 9 अगेन 27, 4 इंटू माइनस थ्री आपका माइनस 12 और ये प्लस 12। तो देखिए p माइनस थ्री जो है वो कितना हो गया आपका, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अब मेरे पास सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स मेरे पास p माइनस थ्री कितना आया आपका, जीरो आया। तो रिमाइंडर कितना हो गया इस कंडीशन में, जीरो। तो देखिए ये तो क्या था, डिवीजन मेथड था, ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम थी, शेषफल प्रमेय थी। कितने आसानी से हमने पता लगा लिया क्या कि इसमें रिमाइंडर जीरो आ रहा है। कुछ नहीं करना, जिससे आपको डिवाइड करना है ना उसको जीरो के इक्वल रखना, फिर जो एक्स की वैल्यू आए उसको सीधा का सीधा उठाकर उस पॉलिनोमियल के अंदर रखना है, उस बहुपद के अंदर रखना है और सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा।
तो देखिए मैंने आपको डिवीजन मेथड से भी बताया है और रिमाइंडर थ्योरम मेथड से भी बताया है, ये थोड़ा सा टाइम सेविंग है और नया मेथड है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल एग्जाम्स, आपके बोर्ड्स हो, चाहे टेंथ हो, चाहे इलेवेंथ ट्वेल्थ हो, चाहे आप फ्यूचर में भी कोई भी एग्जाम दें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट ओनली फॉर टेंथ क्लास की जो बोर्ड है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए, बस। ये आपके हर जगह काम आने वाला है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, और इसमें कोई भी डाउट लगे तो नीचे कमेंट करना है आपको। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज फैक्टर थ्योरम। अब हम बात करेंगे गुणनखंड प्रमेय की, तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड ए बी एनी रियल नंबर सच दैट पी ए इज इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो बेसिकली क्या हुआ, जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर ए कोई ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिसको एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करने पर जो पी ए है वो जीरो हो जाए, तो जो एक्स माइनस ए है वो फैक्टर हो जाएगा पी एक्स का। देखो क्या है, हिंदी में बात करें तो बहुपद के अंदर ए कोई ऐसी वास्तविक संख्या हो जिसके लिए पी ए जीरो हो जाए तो एक्स माइनस ए फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा पी एक्स का, यही बोलती है गुणनखंड प्रमेय। अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे, हमने अभी पढ़ा था क्या, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कहती थी, शेषफल प्रमेय कहती थी पी ए क्या होता था, शेषफल, x माइनस ए को रखने पे जो शेषफल आता था ना, x माइनस ए से जब हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे, विभाजित करते थे, तो जो शेषफल हमारे पास आता था, जो रिमाइंडर हमारे पास आता था, उसको बोलते थे पी ए। दैट मीन्स जहां पर रिमाइंडर आपका जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स पी ए जहां पर जीरो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। कैसे, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, क्या एग्जाम्पल लिया था हमने लिया था एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व, इसको हमने डिवाइड किया था जी एक्स एक्स प्लस थ्री से, ठीक है, ये हमारा पी एक्स था। तो अब देखिए जब मैं इसमें वो निकालता हूँ क्या p माइनस थ्री, तो क्या आया था, तो मेरे पास आया था माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व, ओवरऑल सब कुछ कैंसिल होके ज़ीरो आया था। अभी जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में एग्जाम्पल किया था, दैट मीन्स p माइनस थ्री कितना आया मेरे पास, ज़ीरो। मतलब मैंने जब पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया, पी एक्स को जी एक्स से विभाजित किया, तो मेरे पास में जो शेषफल आया, जो रिमाइंडर आया, वो ज़ीरो हो गया। और जैसे ही रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, दैट मीन्स जो एक्स माइनस ए है, दैट मीन्स जो ये है एक्स प्लस थ्री, ये फैक्टर हो गया इस पी एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्क्लूजन निकल कर सामने आया, और वो कॉन्क्लूजन क्या है बच्चों, कि अगर जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो हो जाए तो फैक्टर हो जाएगा आपका, रिमाइंडर ज़ीरो दैट मीन्स आपका फैक्टर हो गया, दैट मीन्स फैक्टर। जैसे ही रिमाइंडर ज़ीरो होता है, सारा का सारा जो भी होता है x माइनस ए वो फैक्टर हो जाता है पॉलिनोमियल का, बहुपद का, ठीक है। तो ये तो बात हुई फैक्टर थ्योरम की। अब हम बात करते हैं फैक्टर थ्योरम के ही एक अच्छे क्वेश्चन पे, एक एग्जाम्पल पे। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि पॉलिनोमियल पी एक्स है हमारे पास 2x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और gx जो है हमारे पास वो है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इस कंडीशन में हमें फाइंड करना है रिमाइंडर, कि भाई इसका रिमाइंडर क्या आता है, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड थिंग जो हमें फाइंड करनी है वो पता करना है कि जो आपका gx है वो इस px का फैक्टर है या नहीं है, वो हमें पता करना है। पहली चीज़ हमें शेषफल पता करना है, दूसरी चीज़ ये gx इस px का गुणनखंड है या नहीं ये पता करना है। दोनों के लिए ही हमें लगानी क्या है, हमें लगानी है रिमाइंडर थ्योरम। अब आप लोग कहेंगे कि सर एक चीज़ बताइए, आपने तो रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ x माइनस a के लिए बताई थी या ऐसा कुछ ही बताया था, ये तो कुछ अजीब सा ही आ गया है,
तो कॉन्सेप्ट एक ही है बच्चा, क्या कि जी एक्स को जीरो रख दो, जी एक्स को जीरो रख दो, यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। इसमें जी एक्स क्या है, जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। चाहे आपकी यहाँ पर क्यूबिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर हो, कोई भी इक्वेशन हो, जी एक्स को जीरो रखना है। यही की पॉइंट कह दो या यही कॉन्सेप्ट कह दो। तो देखिए, इसमें मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। तो देख लीजिए, एक्स कॉमन लूंगा, आएगा एक्स माइनस 2, यहाँ से मैं माइनस 1 कॉमन लूंगा, माइनस 1 कॉमन लेते ही एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू जीरो। देखिए ये कैसे हुआ, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हुआ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहती है कि इस बीच वाले टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है कि वापस ऐड करने पे -3x ही मिले, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस मतलब 2x² मिल जाए। तो देखो, जब मैंने इनको वापस ऐड किया तो मुझे -3x मिला, जब मैंने -2x और -x को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 2x², तो प्लस का 2x², तो इस तरीके से स्प्लिट करते हैं। फिर कॉमन इस तरीके से लेते हैं कि आपके ब्रैकेट सेम बने, जैसे ही ब्रैकेट सेम बने ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा और ये भी ब्रैकेट बन जाएगा। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक ओवरव्यू हो गया, एक क्विक रिवीजन हो गया। मैं धीरे धीरे देखो सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ, चीज़ों के साथ साथ में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में श्रीधराचार्य सिखाया था, ठीक है, और इस क्लास में मैंने आपको सिखा दिया क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो छोटी छोटी चीज़ें भी कवर हो रही है इन वीडियोज़ के अंदर। ये मत सोचना कि बड़ी चीज़ें कवर करवा रहे हो या सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करवा रहे हो, सब कुछ जो बेसिक नॉलेज है वो ऑलमोस्ट कवर अप हो रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर चीज की। मैं x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखता हूँ तो मुझे मिलेगा बच्चा x इक्वल्स टू 1। तो अब मैं x की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, आओ करता हूँ। तो p1 2 1 की पावर 4 माइनस 6 1 की पावर 3 प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 और ये माइनस 2, कुछ नहीं किया, 1 को रिप्लेस किया है, 1 को प्रतिस्थापित किया है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, P1 वो आ जाएगा बच्चा, देखिए 2 इंटू 1 की पावर कितनी भी कर लो वो 1 ही रहना है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा -2। तो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस टू माइनस टू, ये दोनों मिलके 6 बनाते हैं और ये माइनस का 6 है, तो ये भी ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है भैया, हो गए। अब देखिए कितना बचा, 0 बच रहा है, दैट मीन्स P1 तो आ गया मेरे पास 0। जैसे ही P1 0 आ गया, मैं बोल सकता हूँ कि भैया x माइनस 1 तो मेरा फैक्टर है। अब इस सेकेंड वाले की बात करता हूँ, x माइनस 2 को मैं 0 रखता हूँ, तो जैसे ही मैं x माइनस 2 को 0 रखूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। जैसे ही मैंने x माइनस 2 को 0 रखा, मुझे मिला x इक्वल टू 2। तो इस बार मुझे x की जगह पर 2 रिप्लेस करना है, 2 को प्रतिस्थापित करना है, आओ कर देते हैं। P2 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 4 माइनस 6, 2 की पावर 3 प्लस 3, 2 की पावर 2 प्लस 3, 2 माइनस 2। तो अब देखिए 2, 2 की पावर 4 दैट मीन्स 16, माइनस 6, 2 की पावर 3 दैट इज 8, प्लस 3 इंटू 4, 3 टू जा 6 माइनस 2। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा माइनस का 48, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस का 2। तो अब देखिए जो प्लस प्लस वाले हैं उनको एक साइड करते हैं, 32 प्लस 12 44, और ये कितना हो जाएगा आपका 50, तो 50 हो गया प्लस का, और देखिए माइनस का 48 और माइनस का 2 दैट मीन्स माइनस 50, तो मेरे पास में 0, दैट मीन्स P2 भी 0, दैट मीन्स ये भी फैक्टर, ठीक है भाई। x माइनस 1 भी फैक्टर है, x माइनस 2 भी फैक्टर है,
दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई भी फैक्टर होगा, ये भी फैक्टर होगा। ऐसा क्यों भाई? देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर इंडिविजुअली x माइनस वन भी फैक्टर हो रहा है और x माइनस टू भी आपका फैक्टर हो रहा है एकल रूप से। खाली x माइनस वन फैक्टर है और खाली x माइनस टू भी फैक्टर है, तो दोनों ही जब फैक्टर्स हैं तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, तो वो यही बन जाएगी। अब देख लो फैक्टर तो हो गया, और फैक्टर है तो 100% रिमाइंडर तो जीरो आया ये दोनों का, तो रिमाइंडर जीरो आ गया। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आपको ये क्या सिखाता है, आपको ये फैक्टर थ्योरम भी सिखा रहा है, रिमाइंडर थ्योरम भी सिखा रहा है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी सिखा रहा है और इस तरीके से सोचना भी सिखा रहा है। तो इस क्वेश्चन से आप चार चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और क्वेश्चन अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, ठीक है। तो ये हुई हमारी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, इन दोनों पर हमने बात अच्छे से कर ली है। अब हम बात करते हैं इन पर एक दो क्वेश्चंस और। नाउ अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो वो है हमारे पास में द पॉलिनोमियल्स पी एक्स के एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एंड क्यू एक्स टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस के व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फोर लीव द सेम रिमाइंडर द वैल्यू ऑफ के इज। ऑप्शन है आपके पास ए टू बी माइनस वन सी जीरो एंड डी वन, ठीक है। हिंदी में बात करूँ तो दो बहुपद है आपके पास पी एक्स और क्यू एक्स। पी एक्स है के एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, क्यू एक्स है टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस के। इन दोनों बहुपदों को जब हम एक्स माइनस फोर से डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो हमारे पास में के की वैल्यू क्या आएगी जब इनका रिमाइंडर सेम है, उसके आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज़ तो रिमाइंडर, तो मुझे इनमें रिमाइंडर फाइंड करना होगा। तो रिमाइंडर के लिए हम लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले x माइनस फोर को जीरो के इक्वल करेंगे, तो हमें x की जगह है चार को रिप्लेस करना है, x की जगह फोर को सब्सटीट्यूट करना है। पहले वाले में करते हैं p4, तो देखिए कितना आएगा k फोर का क्यूब प्लस थ्री फोर का स्क्वायर माइनस थ्री। तो देखिए इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा फोर का क्यूब 64k प्लस थ्री इंटू फोर का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर 16 होता है, 16 इंटू थ्रू आपका 48, और 48 माइनस थ्री आपका कितना होता है 45। तो मेरे पास में P4 आ गया 64K प्लस 45। दैट मीन्स जब मैं Px के अंदर x माइनस फोर से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में रिमाइंडर ये बचता है, जब मैं इस बहुपद में इसका डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ये शेषफल बच जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि जब मैं qx में डिवाइड करूँगा इस बहुपद का तो क्या बचेगा, तो बस वही काम, x की जगह 4 रिप्लेस कर दो, 2 4 का क्यूब माइनस 5 4 प्लस k। अगेन 4 का क्यूब कितना होता है 64, 2 into 64 दैट इज 128, ये हो जाएगा 20, दैट मीन्स 108 प्लस के, ये आपका Q4 हो गया। तो बच्चों ये क्या कह रहा था कि जो रिमाइंडर्स आते हैं ना दोनों वो सेम हैं, दैट मीन्स आपका P4 और Q4 इनकी वैल्यू सेम है क्योंकि रिमाइंडर सेम है, तो दोनों को इक्वेट कराते हैं। तो एक तरफ है 64K प्लस 45 इज इक्वल्स टू 108 प्लस K। तो अब देखिए K को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो 64 में से एक K कैंसिल हो जाएगा तो 63K बचेगा, ठीक है भैया 108 माइनस 45। जैसे ही 108 में से 45 निकल जाएगा मेरे पास में बचेगा भैया कितना 63। तो बस यहाँ पर मैं 63 लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने 63 लिखा ये दोनों कैंसिल आउट, दैट मीन्स जो K की वैल्यू है वो आ गई 1, और 1 कौन सा ऑप्शन है डी वाला, तो आप डी वाला सही कर देंगे। और अगर ओएमआर शीट से कोई प्रैक्टिस करता है तो वो ऐसे जो डी वाला गोला होगा या जो डी वाला स्फेयर होगा सर्कल होगा उसे इस तरीके से डार्क कर देगा। तो ये हुआ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट, दैट मीन्स सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की।
नाउ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए एक्स ए स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अगर आपका एक्स माइनस ए इस वाले बहुपद का फैक्टर है, गुणनखंड है, तो आपको यहाँ पर ए का मान पता करना है। तो यहाँ पर फैक्टर थ्योरम का यूज़ होगा। फैक्टर थ्योरम एक तरीके से आपके रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही काम करती है। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू मैं ए पुट करूँगा ना, तो मेरे पास में जो पी ए है वो ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है, तभी फैक्टर होगा। तो मैं वही काम करता हूँ। तो देखिए, x माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स x इक्वल टू ए पुट करना है, ठीक है, करें। तो देखिए, x की जगह ए पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस ए स्क्वायर ए प्लस ए प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए, a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए प्लस टू, तो एक प्लस का एक माइनस का दोनों कैंसिल आउट और इज इक्वल टू में जीरो चल रहा है। दैट मीन्स ए हो गया माइनस का टू, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। देखिए क्या करना है, बेसिकली हम ये करते हैं बेटा कि इसके अंदर आपको रिमाइंडर ज़ीरो करना होता है। फैक्टर थ्योरम क्या सिखाती है? फैक्टर थ्योरम यही कहती है कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो वो फैक्टर होगा। दैट मीन्स आपके रिमाइंडर थ्योरम के अंदर से ही फैक्टर थ्योरम निकली है। देखिए कैसे, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि आपको कोई ना कोई रिमाइंडर मिलेगा, कोई ना कोई पी ए मिलेगा, ठीक है। और जब उस पी ए का मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, थोड़ा सा वर्गीकरण कर देता हूँ और बोल देता हूँ कि भैया यहाँ से एक पी ए ऐसा निकलेगा जिसमें ज़ीरो होगा, दैट मीन्स रिमाइंडर ज़ीरो होगा, तो वो फैक्टर हो जाएगा। दैट मीन्स आपकी जो फैक्टर थ्योरम है, आपकी जो गुणनखंड प्रमेय है, वो एक तरीके से रिमाइंडर थ्योरम का ही पार्ट है, या एक कह सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। पीए तो सबका होता है, लेकिन जब पीए ज़ीरो हो गया तो वो फैक्टर थ्योरम हो गई, वो आपकी गुणनखंड प्रमेय होगी। तो इसी के साथ में मैं ये वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम का, आपकी जो शेषफल प्रमेय है या गुणनखंड प्रमेय है। इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है कि सर इसमें मेरे को ये डाउट है, कमेंट कर सकता है, और कैसा भी वो पूछना चाहे पूछ सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।